जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलपीपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी में आप लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यह रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है यह ग्रुप सी की पोस्ट पर निकाली गई है, जिनमें आप लोगों को पेस्ट कंट्रोलर वर्कर के रूप में पद देखने को मिलेंगे, साथ साथ ड्राइवर के पद भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर इंडियन नेवी से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को वेबसाइट पर, वहीं से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ज्वाइन इंडियन नेवी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। फटाफट मैं इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी बता देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करके मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट की, यानी कि ऑनलाइन डेट क्या है, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप लोगों का 31/7/2021 है, जबकि इसके लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो आप लोगों को 20 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट जो आप लोगों का रखा गया है वो आप लोग कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम यहाँ पर 25 वर्ष के होने चाहिए। और इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिलेगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, जो कि है एस टी एस सी वालों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा और ओ बी सी वालों को जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का सैलरी, यानी कि पे स्केल आप लोगों को कितना मिलने वाला है। तो यदि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट जो मिलने वाला है 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ आप लोगों को वेतन मिलने वाला है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर के में आप लोग अप्लाई करते हैं जिसमें लेवल वन के अकॉर्डिंग आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, जो कि लेवल वन में आता है 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ आप लोगों को वेतन मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की दो वैकेंसी निकली हुई है, एक सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, दूसरा पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए। ठीक है, इनमें आप लोगों को साउथ नवल कमांड कोची में आप लोगों की 10 वैकेंसी निकाली है। नेक्स्ट है आप लोगों का पेस्ट कंट्रोल वर्कर में आप लोगों को साउथ नवल कमांड कोची में 6 वैकेंसी निकली है और अंडमान निकोबार कमांड में आप लोगों को 6 वैकेंसी निकली है। टोटल यहाँ पर ग्रुप सी के पदों पर जो है 22 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यदि आप लोग सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर से आप लोगों से 10वीं पास मांगा जा रहा है, साथ साथ जो है आप लोगों से ड्राइविंग हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटर व्हीकल्स यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। इसके साथ साथ आप लोगों को 1 ईयर्स का जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एचएमवी, यानी कि आप लोगों को हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का आप लोगों को 1 ईयर्स का जो है चलाए हुए कोई गाड़ी आप लोगों को चलाना आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि पेस्ट कंट्रोल वर्कर में। इनमें आप लोगों सिंपली आप लोगों से 10वीं पास मांगा गया है, इसके साथ साथ आप लोगों को हिंदी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप लोगों को जो है आप लोगों जो एप्लीकेशन भर अप्लाई करेंगे वहाँ पर उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है आप लोगों का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद प्रोविजनल अप्रूवमेंट लेटर आप लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों को रिटर्न एग्जाम में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग न्यूमेरिकल रहेगा, जिनमें आप लोगों को टोटल 20 जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर के। जनरल इंग्लिश रहेगी आप लोगों को 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेंगे 10 क्वेश्चन है। जनरल जो है आप लोगों को जो है रिलेवेंट रहेगा आप लोगों को 50 नंबर के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जो है जिस भी फील्ड में आप लोग अप्लाई करते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है आप लोगों को 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो कैसे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है यदि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यदि इससे रिलेटेड आप लोगों से जो है कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।